नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फ्रैक्शन कैसे टाइप करते हैं ये बताएंगे आपको, वो भी एमएस वर्ड में। 1/2, 5/6, ये जो फ्रैक्शन आपके सामने मैंने टाइप करके बताए थे थंबनेल में, यही मैं एमएस वर्ड में टाइप करके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन कर लिया है, आप भी अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे टाइप करने के लिए जो फ्रैक्शन है आपको टाइप करने है, उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है। उसके बाद में यहाँ पे इक्वेशन होगा, यहाँ पे देखिए आपके राइट हैंड साइड में इक्वेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फ्रैक्शन शो होगा, फ्रैक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो फ्रैक्शन चाहिए आपको उस पे आप क्लिक करिए। तो मैं सेकंड फ्रैक्शन वाला लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये जो सर्कल डॉटेड है इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। नंबर आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद में आप होम टैब पे आइए और होम टैब पे इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए इसकी साइज़ इंक्रीज कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखा आपने फ्रैक्शन टाइप करना कितना आसान है वर्ड में। यहाँ पे मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ, दूसरा भी फ्रैक्शन आपको टाइप करके बताता हूँ। इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे इक्वेशन, उसके बाद में फ्रैक्शन और यहाँ पे लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे ऊपर 2 या 5, जो भी नंबर आप चाहते हैं उसको टाइप करिए। अब देखिएगा इसको होम टैब में जाएंगे और इसकी साइज़ बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह से ये दिखेगा। तो आपने जाना कि वर्ड में फ्रैक्शन कैसे टाइप कर सकते हैं। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।